गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे आप अपने कुछ इस टाइप की फोटो को ऐसा एडिट कर सकते हो। आप देख पा रहे हो कि ये फोटो देखने में कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। एंड भाई, आपको रियलिटी बताऊं ना, तो सिर्फ एक क्लिक में मैंने इस फोटो को एडिट किया है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आप भी अपनी फोटो को एक क्लिक में सेम टू सेम ऐसा एडिट कर पाओगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज, लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज, हमने फोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लिया है। स्नैपसीड ऐप के अंदर आ जाने के बाद कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब गाइज, आपको यहाँ टूल्स वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे कि हमें इस फोटो को थोड़ा सा क्रॉप करना है नीचे से, तो कुछ इस तरीके से इसको हम ये यहाँ पे रख देंगे। जहां से भी आपको क्रॉप करने की इच्छा हो आप क्रॉप कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको डन कर लेता हूँ। तो ये देखो, बिफोर ये आफ्टर, ठीक है। अब ये फोटो जो है हमारी थोड़ी सी क्रॉप हो चुकी है। अब आपको यहाँ टूल्स वाले आइकॉन पे दोबारा क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्यून इमेज पे चलना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ एम्बियंस को कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा देना है, ठीक है। ये एम्बियंस देख पा रहे हो कि मैंने 88 के अराउंड बढ़ा दिया। एंड हाईलाइट्स को आपको थोड़ा सा कम करना है। एंड शैडोज को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड शैडोज को बढ़ा के आपको सिंपल से डन कर लेना है। अब फोटो देखो, ये बिफोर ये आफ्टर, कुछ इस तरह की फोटो हमारी लग रही है। अब गाइज, आपको टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइज आपको एक मिलेगी, आपको यहाँ पे मिल जाएगी सेचुरेशन कम करने के लिए ड्रामा। तो ड्रामा पे आपको आ जाना है। यहाँ से फिल्टर स्ट्रेंथ को लगभग यहाँ पे इतना कर लेना है, एक या दो कर लेना है। एंड यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेचुरेशन -40 है, तो मैं इसको -40 ही रहने देता हूँ। बाकी यहाँ से इसको डन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ एडिट स्टैक पर क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे, ड्रामा पे। देन आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पर चलना है। आप गाइज इस आई वाले ऑप्शन को पहले ऑफ कर दीजिए। यहाँ से गाइज आपको कुछ इस तरीके से इसको आपको 100 करके, फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से सिर्फ आपको अपने स्किन पे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। याद रहे, सिर्फ आपको अपने स्किन पे इसको अप्लाई करना है। तो कुछ इस तरीके से गाइज हम स्किन पे, पूरे स्किन पे अपने अप्लाई कर लेते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि आप मैनुअली कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए गाइज मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी से पूरे स्क्रीन पे इसको अप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। तो गाइज आप देख पा रहे हो कि मैंने पूरे स्किन पे इसको चला दिया। आप देखो, ये बिफोर की आफ्टर, बिफोर ये आफ्टर। आप देख पा रहे हो कि पूरा स्किन जो है अब वाइट हो चुका है, तो अभी फोटो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आपको सिंपल से यहाँ से डन कर लेना है, बैक करना है। बैक करने के बाद गाइज अब आपको टूल्स वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ सेलेक्टिव को सिलेक्ट करना है। एंड हैंड को कुछ इस तरीके से आपको सेलेक्ट करके यहाँ ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे। एंड सेचुरेशन को थोड़ा और कम कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको डन कर लेना है। अब गाइज हमारी फोटो ओवरऑल कुछ इस टाइप की हो चुकी है। अब जस्ट इस फोटो को शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करके इस फोटो को शेयर कर देना है, ठीक है। अब इस फोटो को आपको ओपन करना है लाइटरूम ऐप के अंदर, तो हम इसको ऐड टू एलआर कर देते हैं। अब ये फोटो जो हमारी लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो चुकी है, तो अभी हम लाइटरूम ऐप को भी ओपन कर लेते हैं। ऑल फोटोज पे गाइज आपको चलना है। ऑल फोटोज पे आने के बाद आपको ये वाला प्रीसेट ले लेना है, ठीक है। इस प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब थ्री डॉट के आइकॉन पे क्लिक करके इसको कॉपी सेटिंग कर लेते हैं। अब इस प्रीसेट की सारी सेटिंग जो है हमने कॉपी कर ली है, ठीक है। इस प्रीसेट की सेटिंग को कॉपी करके इस फोटो पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है, जो कि हमने अभी स्नैपसीड ऐप के अंदर थोड़ा सा एडिट किया है, उसके बाद लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर किया है, ठीक है। अब इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, पेस्ट सेटिंग वाले आइकॉन पर जस्ट आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी फ़ोटो ओवरऑल कुछ इस तरह की एडिट हो जाएगी, लेकिन अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब गाइज आपको चलना है यहाँ से कलर में। एंड यहाँ से थोड़ा सा एम्बियंस को, सॉरी वाइब्रेंस को कम करना है, थोड़ा सा टेम्प को भी कम कर लेना है इतना। मिक्स टूल के अंदर गाइज अब आपको चलना है। एंड ये जो आप देख पा रहे हो येलो कलर है, इसका आपको सेचुरेशन कुछ इस तरीके से इतना रख लेना है। एंड ह्यू को इसे आपको आगे की तरफ कर लेना है, ठीक है। आगे की तरफ करते ही आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया। अब ये ग्रीन कलर आपको लेना है। एंड ग्रीन कलर का सेचुरेशन आपको कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है, ठीक है। अब गाइज सेचुरेशन बढ़ाते ही देख पा रहे हो कि मतलब कलर कितना ज़्यादा पॉप हो गया। आप चाहो तो येलो कलर को ना यहाँ से ह्यू को पूरा चेंज कर सकते हो, या फिर जितना आपकी नीड हो उतना आप रख सकते हो। मेरे ख्याल से जो है इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा सही लग रहा है इतना।
ये देखो बिफोर ये आफ्टर, ठीक है। अब आपको यहाँ से चलना है ये वाले कलर के अंदर, ये आप देख पा रहे हो ऑरेंज कलर है, तो इसकी ह्यू को हम थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे कुछ इस तरीके से, एंड सेचुरेशन माइनस से रहने देंगे। अब रेड कलर आपको लेना है, रेड कलर का भी ह्यू को थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे एंड सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, ठीक है इतना। एंड आपको सिंपल से यहाँ से डन कर लेना है, ठीक है। अब गाइस आपको चलना है इस इफ़ेक्ट्स वाले टूल के अंदर एंड यहाँ से क्लैरिटी को कम कर लेंगे, क्योंकि टेक्सचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आप देख पा रहे हो टेक्सचर और क्लैरिटी दोनों ही हाई था, तो मैंने इसको कम कर लिया। एंड डीएच को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लगभग यहाँ पे इतना रख लेते हैं। एंड अब गाइस आपको ये डिटेल वाले टूल के अंदर चलना है, यहाँ शार्पनिंग को आपको बढ़ा लेना है, यहाँ पर आपको डिटेल्स, मास्किंग एंड नॉइज रिडक्शन आपको बढ़ा लेना है, कॉन्ट्रास्ट एंड साथ ही साथ कलर नॉइज रिडक्शन, ठीक है। तो गाइस इतना काम हो जाने के बाद ये डिटेल्स स्मूथनेस भी बढ़ा लेंगे, ऑप्टिक्स वाले बटन पे क्लिक करके इन दोनों को आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो गाइस फोटो देख पा रहे हो ओवरऑल बिफोर ही आफ्टर, तो गाइस फोटो ओवरऑल कुछ इस तरीके की हमारी एडिट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा आसान सा स्टेप्स था। आई होप गाइस आपको एवरीथिंग समझ में आ गया होगा। फिर भी गाइस अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। अब आपको इस फोटो को शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करके सिंपल से सेव टू डिवाइस कर लेना है, ये फोटो आपकी गैलरी में इजीली सेव हो जाएगी। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।